हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दिवाली मनाई जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी, गणेश जी, सरस्वती माता, श्री राम और हनुमान जी की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं दिवाली की पूजा विधि। हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और धन दौलत में बरकत होती है। हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे तो नगरवासियों ने इस खुशी के अवसर में दीप प्रज्वलित किया था। तभी से देश में दिवाली मनाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन लक्ष्मी गणेश के साथ भगवान राम, माता सीता, माँ सरस्वती समेत कई देवी देवताओं की पूजा का विधान है। आइए धन सुख समृद्धि में बरकत लाने के लिए दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और सामग्री लिस्ट के साथ दिवाली पूजा से जुड़ी सारी डिटेल्स आपको बताते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस साल कार्तिक मास अमावस्या तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से होगी और 13 नवंबर को दोपहर 2:56 पर समाप्ति होगी। हिंदू धर्म में सभी तीज त्यौहार उदया तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं, लेकिन दिवाली की पूजा प्रदोष काल में ही होती है, इसलिए साल 2023 में 12 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। इस दिन शाम को 5:41 से लेकर 7:35 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बना रहेगा। आइए सामग्री लिस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। दिवाली पूजा के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा, गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा, चंदन, अक्षत, गुलाब और चंदन का इत्र, पान का पत्ता, सुपारी, दुर्वा, रुई की बाती, पंचामृत, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, फल, गन्ना, कमल, गट्टा, सिंदूर, गोबर, लौंग, इलायची, नारियल, आम का पत्ता, कलावा, खील बताशे, खीर, लड्डू, धूप दीप, कपूर, कलश में जल, चांदी का सिक्का, घी का दीपक, जनेऊ, दक्षिणा के लिए नोट और सिक्के समेत सारी जो पूजन सामग्री है उसे आपको एकत्रित कर लेना चाहिए। अब इसको कैसे, इसकी विधि क्या है, पूजा विधि आइए इस पे भी थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। प्रदोष काल की पूजा शुरू होने से पहले घर की साफ सफाई पर आपको खास ध्यान दे देना चाहिए। दिवाली की पूजा के समय साफ स्वच्छता जो भी है उस पर ध्यान दें और साफ स्वच्छ वस्त्र भी पहने। मंदिर के पास एक छोटी चौकी रखें और उसे लाल या पीला कपड़ा उसके ऊपर बिछा दें। अब गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा ऐसे स्थापित करें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में ही हो। प्रतिमा के सामने कलश स्थापित करें और उस पर नारियल रख दें। 2 बड़े दीपक प्रज्वलित करें। कलश की ओर चावल से नवग्रह की 9 ढेरियां बनाएं। इसके साथ ही गणेश जी की ओर चावल की ढेर से 16 ढेरियां बनाएं। चावल की 16 ढेरियों को 16 मातृका माना जाता है। 16 मातृका के बीच स्वास्तिक बनाएं। सबसे पहले पवित्रीकरण के लिए मूर्तियों पर गंगा जल अवश्य छिड़कें। लक्ष्मी और गणेश जी को फूलों की माला और वस्त्र अर्पित करें। अब पूजा शुरू करें और लक्ष्मी गणेश को फल, फूल, धूप दीप और नैवेद्य समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। पूरे श्रद्धा भाव के साथ उनके मंत्रों का जाप करें और अंत में सभी देवी देवताओं और नवग्रहों के साथ लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा की आरती उतारें। लक्ष्मी पूजन के दौरान अष्ट लक्ष्मी महास्त्रोत का और श्री सूक्त का पाठ करें। यदि आप ये सारी चीजें सही तरीके से करते हैं तो आपके ऊपर मां लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहती है और कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी जिंदगी में थोड़ी उन्नति पा सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।